दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी। मंडी लोकसभा सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, परंतु अनसुना हुआ। आज स्वर्गीय सांसद के परिवारजन दिल्ली में मौत की जांच के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन है। सबसे अहम मसला है, हमारे सांसद जो थे उनका निधन हो गया, दुखद निधन हुआ और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आत्महत्या की। 17-18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति कर रहा हो और उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाए और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो लगातार। 4 दिन पहले वो जो है मंडी में शिवरात्रि में जो है मौजूद थे और अगर ऐसा उनके निधन हुआ है तो ये मिस्ट्री जो है जरूर सॉल्व होनी चाहिए और ये मिस्ट्री सॉल्व होगी, एक ना एक दिन हकीकत बाहर आएगी, सच्चाई बाहर आएगी। इसलिए इस मामले को मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसको दबाने से कोई फायदा नहीं। और जैसा आशा जी ने कहा कि एक हीरो की डेथ हो गई, सारा देश जो है उस पे लग गया कि ये उसका पता लगना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद माना था कि अगर परिवार के लोग जांच की मांग करेंगे तो अवश्य जांच होगी। मंगलवार को प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित आशा कुमारी ने ये मांग जोगिंदरनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से की। वो अपने घरों में आ गए, ऊपर से जो थोड़ी बहुत नौकरी अवेलेबल है वो भी आप चोर दरवाजे से दे रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, ये सारे बड़े अहम मसले हैं, ज्वलंत मसले हैं जिनके बारे में हमें देखना है। मेरा ये आग्रह है आपसे, जो मौजूदा सरकार है इसको सत्ता में रहने का कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। बहुत और जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में जब बाय द टाइम जयराम सत्ता छोड़ेंगे 2022 में, तब तक हिमाचल प्रदेश पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा, 85,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा और अकेले एक मुख्यमंत्री के टाइम में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लेने का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। इतना 50,000 करोड़ किसी एक मुख्यमंत्री ने कर्जा लिया हो, और डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना इन्होंने कोई रेल लाइन बनाई, ना इन्होंने कोई हवाई पट्टी बनाई, ना इन्होंने कोई नेशनल हाईवे बनाया। 67 नेशनल हाईवे बनाने के बारे में बात करते थे, एक भी नेशनल हाईवे इस जयराम से के समय में नहीं बन पाया। एक भी हवाई पट्टी हमने कहा कहीं नहीं बनती, जो मंडी वाली कह रहे हैं इसी को बना लो, वो शुरू भी नहीं कर पाए। और मुझे नहीं लगता कि अब इन तेलों में कोई तेल है कि यहाँ पे उसको ये बना भी पाएंगे। वो भी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी बनेगी, अदरवाइज कोई किसी पट्टी की एक्सपेंशन की हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी हिमाचल प्रदेश, पायनियर इन एजुकेशन फॉर लास्ट 21 इयर्स, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, कोर्सेज ऑफर्ड बीएड, डीएलएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 9816400520, 9816700520, 9816005139।